हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्पीकर्स मुंडे में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप 2020 के बारे में। दोस्तों जो भी स्टूडेंट रह चुका है स्कॉलरशिप से या जिसकी स्कॉलरशिप आ चुकी है वो सभी स्टूडेंट के लिए दोस्तों आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको अगर अपने अकाउंट में 15,000 से 30,000 रुपये चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, मैं वीडियो में पूरी फुल डिटेल से बताऊँगा कैसे ये 15,000 से 30,000 रुपये स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारी स्कॉलरशिप आएगी कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्रामर की तरफ से जो स्कॉलरशिप है प्रोवाइड की जा रही है और ये किन किन छात्रों को प्रोवाइड की जा रही है वो मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों पामोलिव इंडिया लिमिटेड युवा छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करके उनकी शैक्षणिक प्रगति को आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहा है। यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम विभिन्न पोस्ट मैट्रिक और स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाले सभी छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने एवं उनकी पसंद के करियर की ओर आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दोस्तों ये जो स्कॉलरशिप है आपने देख लिया होगा ये कहाँ से है, कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। आपको इसमें जो है 15,000 से 30,000 रुपये जो है आपके अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे ताकि आप आगे अपना करियर बना सकें। वो किन छात्रों को मिलेंगे वो भी मैं आपको फुल डिटेल में बता देता हूँ। ऐसे छात्र जिन्होंने 2019 की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75% मतलब कि जिसके 75% अंक आए हैं 2019 में, जिन्होंने हाल ही में रिजल्ट पास किया है अपना, 10वीं में कम से कम 75% और 12वीं में कम से कम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण किया हो उन्हीं को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों और मैं ग्रेजुएशन वालों के लिए भी बताऊंगा। और उच्चतर माध्यमिक 3 वर्षीय स्नातक 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम और क्रमश 1 वर्षीय व्यवसाय कोर्स की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। सभी आवेदकों से वार्षिक पारिवारिक आय एन मतलब कि जो इसकी 5 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए जो आपकी आय है। चयनित विधान अपनी शिक्षा के वर्तमान स्तर के आधार पर 3 साल तक की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष 30,000 तक के छात्रवृत्ति पुरस्कार का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों जो इसमें स्कॉलरशिप होगा 30,000 तक आपके अकाउंट में डिपॉजिट की जाएगी। और दोस्तों इसका जो अप्लाई फॉर्म है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे अप्लाई नहीं होता है तो कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं उसके रिकॉर्डिंग भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा दोस्तों अपने चैनल पर, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, अंतिम तिथि इसकी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर है 30 अप्रैल 2020। 30 अप्रैल से पहले पहले दोस्तों आपको ये फॉर्म अप्लाई करके सबमिट कर देना है। आवेदन कैसे करना है यहाँ पर आवेदन देख सकते हैं आप, ऑनलाइन ही आवेदन करना है, घर बैठे आप अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से या लैपटॉप वगैरह से अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन लिंक यहाँ पर वेबसाइट है, इस वेबसाइट जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों, वहाँ पर क्लिक करते ही डायरेक्ट आप उस फॉर्म पर चले जाएंगे जो अप्लाई लिंक मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे अप्लाई नहीं होता है तो मैं उसके एक वीडियो बना दूंगा, आप अगर चाहोगे तो कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए कहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट परसुइंग ग्रेजुएशन 2020 फॉर स्टडी इंडिया फाउंडेशन स्नातक के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित करता है। यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम योग्य किंतु उच्च शिक्षा के वंचित छात्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में संस्थान से 3 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम किसी भी शाखा में के प्रथम द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन खुले हैं, किंतु आवेदक की परिवार्षिक आय जो है वो 6 लाख प्रति से कम होनी चाहिए। दोस्तों चयनित छात्रों में जो है 15,000 रुपए जो है प्रदान की जाएगी। दोस्तों इसमें स्कॉलरशिप जो है 15,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। दोस्तों मगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हुए एक आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको जो इंटर में है इंटर में 50% अंक होने अनिवार्य है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है दोस्तों वह है 31 मई 2020।
इसको आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इस वेबसाइट से जाके। इन दोनों वेबसाइट का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। अगर आप चाहोगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो आज बस आपके साथ बस यही छोटी सी बात शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।